एक बात याद रखना यार, आप लोग ज़िंदगी में इंजीनियरिंग कभी ना करना। Assalamualaikum guys, how are you all doing? I hope that you all are doing well. I am also good, alhamdulillah. I am Munib and welcome back to another vlog. Guys, अभी आप देख सकते हैं यार, अभी उठाऊँ मैं, ये अभी मैंने बेड भी अपना ठीक नहीं किया और टॉवल भी करी पड़ा है और ये रात को कुछ मैंने बिस्किट्स खाए थे और मेरा लैपटॉप ये पड़ा हुआ है। और यार आज ये वीडियो वैसे मेरा आज बनाने का प्लान था और मैं पूरी रात बैठ के काम करता रहा हूँ। इस टाइम मेरा दिमाग चकरा रहा है। अभी मैं उठा हूँ, गया हूँ थोड़ा अपना जो है वो कंगी वगैरह की है, तो रॉकी चला गया, तो अभी हम भी चलते हैं, जाते हैं कुछ खाते पीते हैं। और आज अभी लैब स्टार्ट होने वाला है, टाइम नहीं है, तो चलें आज की वीडियो जो है वो इंटरेस्टिंग होगी। मैं आपको बताता हूँ कि हाउ इज़ लाइफ इन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, सी यू अराउंड। अच्छा यार, बैग वगैरह उठा लिए तो चलें चलते हैं। अभी अफान जो है वो भी पता नहीं क्या कर रहा है, वो बाद में आता है, तो उससे शायद आज भूख नहीं है, नाश्ता करने का भी प्लान नहीं। और मैं भी पता नहीं करता हूँ या नहीं करता, टाइम तो अभी वैसे नहीं है बेसिकली, लेकिन फिर भी जो है देखते हैं। अभी अगर कुछ खाने को मिल जाए तो अच्छा ही होगा, क्योंकि आज जो है क्लासेस काफ़ी ज़्यादा है। ये मौसम है, आज गर्मी है, इधर फुल जो है ना गर्मी चल रही है यार। मानसेरा में इतना अच्छा मौसम था, अभी गर्मी चेक करा जरा। चलें यार, चलते हैं। Okay, so guys, we are out of Abdali Boys Jail. Hi hi, इतना सुकून. And we are into the University of Engineering and Technology मदरसा. क्या बोला तूने? समझ रहे हो? और देख सकते हैं आप मॉल वगैरह. मॉल वगैरह तो वैसे आज थोड़ी इस टाइम पे खामोशी है, सुबह का टाइम है, सब लोग क्लासेस लेने लेट उठते हैं, मैं भी आज जल्दी उठ गया। अच्छा, ये दिन वैसे जो है नॉर्मली कम आता है लाइफ में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में। आप जाते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, अभी सुबह आया भी नहीं, खैर अभी 8:40, 8:50 हो रहे होंगे। यार पता है मुझे सबसे कूल बात क्या लगती है अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में, बाकी सब कुछ छोड़ें यार, वो सामने मेरा हॉस्टल है और ये जो है मेरा डिपार्टमेंट है, बस ये बेस्ट बात है। मैं उठता हूँ क्लास से 2 मिनट पहले और सीधा आ जाता हूँ। मुझे जो है वो रॉकी ने कहा था कि आप जो है वो चेंज करके आओ और मैं आपको मिलता हूँ रास्ते में, मैं जा रहा हूँ पैसे निकालने ATM। तो चलें उस जाने बैठी है, मैं ATM की तरफ चलते हैं, शायद रास्ते में कहीं ना कहीं वो मिल जाए, और अगर ना मिला तो उसकी ऐसी की तैसी, क्योंकि वो मुझे लारा लगा के ये है कि जाते हैं नाश्ता करने, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा तो यार अज़र को कॉल की थी, अज़र कह रहा है कि मैं क्रैप यार, अभी मेरा फ़ोन गिर गया था। रॉकी चल मना, तेज़ चल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रॉकी भाई कैसे हैं? रॉकी भाई, आज का व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, हमारे लिए तो नहीं क्योंकि हमारा पूरा दिन खपा हुआ है, लेकिन कि एक इंजीनियर का दिन कैसा गुजरता है यूनिवर्सिटी में, तो आपको पता चल जाएगा कैसा गुजरता है। अगर आपने आना है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में तो पहले ना हो। ओके तो गाइस, वी आर फाइनली आल्सो आउट ऑफ UET मदरसा और इनटू मर्दान। मुस्कुराइए आप, मर्दान में और जिसको देख के हमेशा रोना ही आता है यार। मतलब ये यूनी है, ये 7 फजूल की इन शॉप्स का क्या फ़ायदा है, इनको तोड़ना चाहिए। रॉकी तू किस बात का, तू मतलब तेरा होल्ड नहीं है यूनिवर्सिटी पे, क्या सीन है? तेरा नाम रॉकी क्यों है? रॉकी है, बस रॉकी है ना, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। रॉकी वाली कहानी आपको सुनाएंगे फिर कभी। और इधर हमारे दोस्त यार ऑलरेडी जो है पहले से मौजूद है यार, सलान भाई फुल अपने आईफोन को प्यार से देखते हुए। ये हमारे प्यारे माज भाई, अस्सलाम वालेकुम माज, कैसे हैं आप? इतना शर्माते क्यों हैं यार? अंसार भाई कैसे हैं? खैरियत है यार? ये लिटरली वो बंदा है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इसने मेरे रात को 1 घंटा ज़ाया किया है, उसके बाद पता है 4 बजे तक सुबह काम करता रहा हूँ। ये वो लोग हैं जो अपना काम करके दूसरों के रूम में चले जाते हैं, हॉस्टल में दूसरों की नींद बर्बाद करने। ओए ग्रीन आइस कैसा है? रॉकी भाई ऊपर देख लें, नो स्मोकिंग है, नो स्मोकिंग लिखा हुआ है, ये पीने पे लग गए आप यार। सही रॉकी है तू, जेब में मतलब लिए फिरते हैं हम साथ अपना सामान नशा। और आप आज के लिए और क्या कहना चाहते हैं? आज के लिए तो बस अब अपने आप को तैयार करने 5 बजे तक के लिए 9 से 5 मुसलसल यार खुद को मेंटली तौर पर तैयार करना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब 5 बजे तक क्लासेस। अब हमारा नाश्ता आ गया गाइस। चलिए गाइस चलते हैं वापस यूईटी। नाश्ता वगैरह कर लिए फिट हो गए। पता नहीं यार ये रॉकी भाई ने पूरी यूनिवर्सिटी में पूरी यूनी में मशहूर किया हुआ है कि 15 में छुट्टियाँ हो रही हैं। अगर ना हुई ना तो बहुत होती है क्योंकि उम्मीद से हमारा समर है तो फिर खुद सोचो ना छुट्टियाँ नहीं होगी क्यों। ये तुम लोग समर में भी हमारे साथ क्लासेस लेने आओगे। इंजीनियरिंग में आके कैसा फील हुआ था आपको? पहले तो मुझे तो इतना अच्छा फील हुआ था यार ये कितनी औसम है। मेरे का बस खत्म, जिंदगी आसान होगी। सबको यही फील होता है, आपको भी यही फील होगा, फिर इस जैसी हालत हो जाएगी आपको। तो यार इधर हमारी क्लास हो रही है, इधर हो रही है। हाँ ये चलो यार मैम क्लास ले रही। ओके इधर आ, ये सब फुल काम में लगे हुए हैं और हम लोग अभी हैं यार पीछे बैठा था अभी आगे आ गया फ्रंट जगह तो ये थोड़ी फ्राई करता है। फाइनली मेरा जो है वो ये जो डेटाबेस वाला असाइनमेंट था वो हो गया जो कि कल सबमिट करना था और मैंने आज सबमिट किया। 3 घंटे दिमाग ख़राब करने के बाद जो है वो हम लोग फ्री हैं फ़िलहाल। अभी क्लास है किस टाइम, अभी क्या टाइम है? अभी टाइम है 11:20 और क्लास है अभी तुम लोग किधर से होमीज़ है? तू हॉस्टल में हमारे साथ होता है, वो घर में होता है, वो हॉस्टल आता ही नहीं है। कहते मेरी सांस बंद। हम पाकिस्तान में रहते हैं, एक होमलैंड है ना, तो क्या हुआ उस तरह तो फिर हम सब होमीज़ हैं तो है ना। किसके 12:05 हो गए और अभी तक सर का कोई पता नहीं है और हम लोग सब बैठे हैं वेट कर रहे हैं सर का। और बचपन में जो है ना टीचर्स हमारा वेट करते हैं स्कूल के क्लास लेने आ जाओ और अब जो है हम लोग यूनिवर्सिटी में आके आपको वेट करना पड़ता है टीचर्स का। बेटा वो राइटिंग बुरी खबर ये है कि सर ले आए हैं साथ पेपर्स जो थे वो रीचेक करवाने ले आए हैं। देखते हैं क्या बनता है। पेपर तो पता नहीं कैसा हुआ था, कौन सा क्यूरोसिटी ऑन टॉप। अच्छा गाइस क्लासेस वगैरह यार ख़त्म हो गई हैं फ़िलहाल तो, ब्रेक हो गई। ख़त्म तो नहीं हुई क्लास, अभी एक लैब रहती है जो कि है 2 से लेके 5 बजे तक। हाँ जी 3 घंटे की लैब। चलें फ़िलहाल तो जाते हैं खाना वगैरह खाते हैं। यार ऐसा है कि रोज़ क्लासेस की सेम रूटीन नहीं होती है और ये चेंज होता रहता है। मतलब 2 दिन एक जैसा होता है। अब आज वाला दिन मतलब काफ़ी बिजी है। कल जो है हम लोग 12 बजे के बाद फ्री थे। फाइनली आई एम ऑन माई बेड जो कि सबसे सुकून का टाइम होता है और अभी मेरा दिल तो ये कर रहा है कि सो जाऊँ पर सो नहीं सकता क्योंकि अभी खाना खाना है और जैसे ही खाना खाएंगे और नमाज़ पढ़ेंगे जैसे ही तो क्लास का टाइम हो जाएगा। क्लास तो नहीं लैब है यार, आज का दिन बहुत बुरा लगता है। एक तो वो लैब भी बोरिंग ही होता है, इतनी गर्मी हो तो सब कुछ ही बोरिंग हो जाता है यार। एक बात याद रखना यार आप लोग ज़िंदगी में, इंजीनियरिंग कभी ना करना।